आप भी अगर फेसबुक से 2023 में कुछ नहीं जनरेट कर पाए, अगर आप सिर्फ सोचते रह गए, या अगर पेज शुरुआत भी किया तो डुप्लीकेट से, या शुरुआत किया तो किसी को देख के कि भाई उसका ऐसा चल रहा है, उसका वैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। सो भैया देखो, आज की वीडियो आप देख लो, समझ लो, और आने वाले 2024 जो कि भैया बस मात्र 2 दिन और बचे हुए हैं, तो 2024 में आप ऐसा क्या करें कि ताकि आपकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए, और रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाए प्लस अगर आपका रेवेन्यू नहीं आता तो आपका रेवेन्यू शुरू हो जाए, एंड दोनों चीज़ें, नहीं आता तो आना स्टार्ट हो जाए, और अगर आता है तो वो बढ़ना शुरुआत हो जाए। तो भाई यहाँ पे सबसे बेस्ट टूल क्या है, और प्लस हम फेसबुक पे किस किस तरीके से पैसे जनरेट कर सकते हैं। टोटल आपको मैं 7 से 8 ऐसे मेथड बताऊंगा जिनसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं फेसबुक से, बट एवरीथिंग डिपेंड कि क्या आपका कंटेंट है, कितना अच्छा उसका रीच है, किस नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सब कुछ बहुत मैटर करेगा। तो जैसे देखेंगे आप यहाँ पर, आप स्टेप बाय स्टेप आप समझ लो उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर फेसबुक से पैसा कैसे कमाएं, एक वर्ड है यहाँ पे कि कमाए कैसे, तो भैया कमाने के लिए पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि किस किस से कमा सकते हो, कौन से टूल से कमा सकते हो। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी, और आई होप कि यहाँ पे नोटिस करोगे मेरे पास यहाँ मेरा पेज है जो कि टेक राजमन 2.0 है, और टेक राजमन 2.0 में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपके सामने यहाँ पे देखेंगे अभी फ़िलहाल फॉलोवर्स जो है इस पर 2.8 के हो रखा है, जो कि मैंने इसको काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं करता, कभी कभी जब होता है वीडियो पब्लिक कर देता हूँ, अन्यथा ये ऐसे कैसे पड़ा रहता है। सो देखो समझो ये बात को, यहाँ पे जैसा देखो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिल जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे इसी डैशबोर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे सारा रीच वगैरह सारा डाउन हो रखा है। रीज़न यही है कि कंटेंट इस पर टाइमली अपलोड नहीं होता, बट आप नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ऑप्शंस मिलेगा। अच्छा ये बात ध्यान रखिए, चाहे आप कभी भी काम करें, चाहे आप आज से स्टार्ट करें, चाहे कल से स्टार्ट करें, चाहे जब भी स्टार्ट करें, सो इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें आप ज़रूर ट्रैक कर लो। मोनेटाइजेशन हो गया, पेज रिकमेंडेशन हो गया, और प्रोफाइल का रिकमेंडेशन हो गया। पेज रिकमेंडेशन पे आके चेक करो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहला काम। अगर कोई भी इशू नहीं है, प्लस पेज का स्टेटस भी देख लो, पेज का स्टेटस भी आपका ग्रीन होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, फिर आपको काम करना है। और यही चीज़ें आपके प्रोफाइल पे भी होना चाहिए, प्रोफाइल पे भी रिकमेंडेशन ऑन होना चाहिए और पेज पे रिकमेंडेशन ऑन होना चाहिए, मतलब कोई वोलेशन कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, तब आपको काम करना है पेज पे या प्रोफाइल पे। जैसे मोनेटाइजेशन टूल पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे बहुत सारे टूल्स होंगे जो कि आपका नॉट अवेलेबल के अंदर आ रहा होगा, बट यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास कुछ टूल्स जैसे स्टार है, एड्स ऑन रील्स है, ये अभी आपका अवेलेबल है, और यहाँ पर नॉट अवेलेबल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर बोनस हो गया है, लाइव एड्स हो गया, इनस्ट्रीम एड्स है, सब्सक्रिप्शन है, ये सब अभी पेंडिंग है। तो ये सब मिलता कैसे, बड़े मुद्दे की बात है, मिलता कैसे? तो देखो भैया ध्यान से समझो, सबसे पहले पॉइंट ये है कि भाई देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2024 के अंदर सबसे बेस्ट टूल की अगर बात करूँ कि किससे ज़्यादा पैसा हम जनरेट कर सकते हैं, आप इनस्ट्रीम एड्स, बोनस, और आप साथ ही साथ यहाँ पे एड्स ऑन रील्स, ये तीन तरीकों से आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। बट सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पे भैया, एड्स ऑन रील्स हो गया और बोनस हो गया, ये दोनों चीज़ें आपको तब मिलती है जब फेसबुक आपको इनवाइट करेगा, और फेसबुक अगर इनवाइट नहीं करेगा तब तक आपको ये बोनस का टूल नहीं मिल सकता, क्योंकि इसका कोई भी बेसिक रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया नहीं है। जैसे आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका सिर्फ यही है कि बोनस परफॉर्म आर करंटली ओनली अवेलेबल बाय इन्विटेशन, यू आर नोटिफाई इफ दिस चेंज, अगर कुछ भी ऐसा बदलता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सेम ऐसे ही एड्स ऑन रील्स का भी है। तो मुझे तो एड्स ऑन रील्स यहाँ मिला हुआ है, तो आप ट्राई करें कि रील्स के ऊपर अगर आपको ये चीज़ लेनी है, फॉर एग्जांपल आपको मान लो गेट करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रील्स जनरेट करो। आपका बोनस लेना है तो आपको सारे कंटेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका फोटो हो गया, वीडियो हो गया, लॉन्ग हो गया, लाइव हो गया, टैक्स रील्स सब कुछ आपको अपलोड करना है, स्टोरी स्टोरी सब लगाएं आप, लाइव भी आएँ प्रॉपर आप, तो जाके आपको बोनस का सेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, ये बात ध्यान रखिए। प्लस इसके अलावा आप देखें यहाँ पे एक और आपके पास टूल आता है, वो आ रहा है इनस्ट्रीम एड्स। इनस्ट्रीम एड्स के अंदर क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स, भाई एलिजिबल कंट्री होना चाहिए, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए होना चाहिए, साथ ही आपको यहाँ पर फॉलोवर्स गेन करने हैं 5,000, और 60,000 मिनट का व्यूज़ काउंट कंप्लीट चाहिए, और साथ ही आपके पास में 5 वीडियो आपकी एक्टिव होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं सो डेफिनेटली आपका ये मोनेटाइज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास लाइव एड्स हैं, लाइव एड्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी सारी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा कि इसको कैच कितना चाहिए कितना नहीं है ना एवरीथिंग। जैसे डन होगा तो लाइव जब भी आप आएंगे तो आपका वो वहाँ पर पेज जो है मोनेटाइज रहेगा और आपकी रेवेन्यू स्टार्ट होगी। साथ ही यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन बेसिकली ये सारे ब्लू कलर का, जैसे पूरा हो जाएगा 100% हो जाएगा
तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यानी एक्सक्लूसिव कंटेंट आप अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में 10,000 लोग हैं, तो 10,000 में से आप चाहते हैं सिर्फ जिन्होंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया 500 लोगों ने, तो सिर्फ 500 लोगों को आपको कंटेंट चाहिए, बाकी 9,500 लोगों को ना जाए। तो इस तरीके से सब चीज़ें आप यूज़ करके अच्छे से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और स्टार आपको पता है भी, स्टार अभी 500 फॉलोवर्स होते ही आपको स्टार्स का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये सब जो टूल हैं ये तब मिलता है जब ऑडियंस आपके कंटेंट को प्यार करती है, ऑडियंस आपके कंटेंट को देखती है, समझती है, तब वो डोनेट के रूप में स्टार भेजती है। सो कहने का मतलब ये आपके पास में स्टार, एड्स ऑन रील्स, बोनस, लाइव एड्स, इन स्ट्रीम एड्स, सब्सक्रिप्शन, ये जितने भी 5 आपके पास टूल हैं, इन 5 टूल में ये बात देने का सबसे बेस्ट टूल जो है वो है आपका इन स्ट्रीम एड्स, लाइव एड्स, इन स्ट्रीम एड्स और बोनस और एड्स ऑन रील्स। इनको आप कोशिश करें 2024 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और क्राइटेरिया है, देखिए दो तो वो इनविटेशन बेस्ड है, एड्स ऑन रील्स और बोनस प्रोग्राम, ये तो जब आपको फेसबुक इनवाइट करेगा तो ही आपको मिलेगा, नहीं उससे पहले नहीं मिल सकता। बाकी तो इंस्ट्रीम एड्स आपके हाथ में भैया, 5,000 फॉलोवर्स गेन करो, 60,000 का मिनट व्यूज काउंट कंप्लीट करो पूरे 60 दिनों के अंदर, इन 2 महीनों के अंदर, और पॉसिबल है। अगर मान लीजिए 2 महीने में नहीं होता तो लास्ट 2 मंथ में जब ही होगा तब भी आपका एलिजिबल हो जाएगा और मोनेटाइजेशन आपका चालू हो जाएगा। और ये इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अलावा भैया स्पॉन्सरशिप, ब्रांडेड कंटेंट टूल, इन सब चीज़ों से भी आपको रेवेन्यूज मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं सर मैं स्टोरी लगा दो उसके बदले आप 1,000 रुपये 500 रुपये चार्ज कर सकते हो, लोग पे करते हैं अगर आपके पास फैंस आपके फॉलोवर्स अच्छे खासे हैं तो। सो गाइस ये ओवरऑल एक पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा प्रोसेस है कि इन कुछ माध्यम से आप जो है फेसबुक से अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं 2024 के अंदर। बाकी आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि अच्छा, कई लोगों का होता है कि सर सब्सक्राइबर नहीं, फॉलोवर्स गेन नहीं हो रहा, कई लोग बोलते हैं मिनट व्यूज़ कंप्लीट नहीं होता, भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप रील्स अपलोड करो, रील्स अपलोड करोगे तो रीच आएगी, और रीच आएगा तो सब आपका फॉलोवर्स वॉच वॉच टाइम सब बढ़ेगा, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे एक अपडेट आप सबके लिए 2023 का एक मोनेटाइजेशन को लेकर। बाकी अगर कोई नया एक रिक्वायरमेंट आ रहा है, एक नई अपडेट आ रही है 5 जनवरी को, देखते हैं इंस्ट्रीम एड्स का क्या अपडेट है, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा उसके ऊपर भी वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो भी रेवेन्यू कमा सकें। उसका बस ये था एक अपडेट आप सबके लिए। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, लगातार कंटेंट डालना है, ये बात ध्यान रखें, तब भी आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, अन्यथा भैया ऐसे लगे रहोगे कोनो रेवेन्यू नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप कंटेंट अपलोड करते रहोगे, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए कि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए आप क्या डाल रहे हैं, किधर डाल रहे हैं, कब कर रहे हैं, एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अच्छा अभी ये कर रहा हूँ तो वो छोड़ दिया, ये काम करके वो छोड़ दिया, ऐसे नहीं छोड़ना। जो भी आप काम करें, ब्लॉगिंग करें ब्लॉगिंग करें, किचन का तो किचन करें, सिंगिंग का तो सिंगिंग, मतलब जो कंटेंट डाल रहे हैं ना लगातार अपलोड करें, उसमें गैप नहीं देना। अगर आपने गैप दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर आप उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखें। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, फिलहाल इतना ही, और कमेंट बॉक्स में शेयर करें आपकी राय क्या है और आपका टूल कौन सा मोनेटाइज है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में कॉन्टेंट। टेक केयर।